दो, जिसने आपको इतना अच्छा बनाया उसने आपका बलिदान कैसे दे दिया आपने? ओ शिट। तो आप मम्मी मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं? तो ऑसम गाइस, आप लोगों के क्या हाल है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चल रहा है लॉकडाउन, तो आ गया घर पे, आ गया नाई, तो नाई तो बाल कटवाने जा रहे हैं। थोड़ा पड़ोस में आया, वहाँ जाना पड़ेगा, देख लो अभी मेरे बाल कैसे हैं, और अभी मैं कटवा के आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे। तो मिलते हैं कटवा के आने के बाद, फिर मैं आपसे मिलूंगा, फिर आपसे बहुत सारी बातें भी कर रही हैं। तो मिलता तो बालों का हाल कुछ कर दिया ऐसा, ये देखो सही है यार, छोटे छोटे करवा दिए इस टाइम। अभी जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक दोबारा खेती हो जाएगी अपनी, यार टेंशन ना लो। मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं? हैं कैसे लग रहा हूँ मैं छोटे बालों? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अरे सब सुंदर कह रहे हैं, पर बालों का बलिदान तो हमें ही पता है क्योंकि हमारी खेती होती है ये, तो घर वालों को तो अच्छे लग रहे हैं ये। ओ इतने सारे बाल मेरे उड़ गए, तो बाल झड़ के कुछ ऐसा लग रहा हूँ। और मेरी मम्मी बोल रही है कि तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी की खुशी में हमारी खुशी है, तो अच्छे लग रहे हैं मम्मी को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें तो उसने ठीक ही काटे हैं बाल, एक हाथ तो चलता ही है। नाश्ता भी, नाश्ते का टाइम हो गया 11:30 होगा, अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ता करने चले जाते। तो मम्मी सब्जी चोरी हो गई यार, सब्जी किसने चुरा ली? तो पानी गर्म करने के लिए रखा था कि सब्जी को उसमें भिगाना है गर्म पानी में, क्योंकि यार पता नहीं किस किस के हाथ लगे हुए रहते हैं उस पर। तो पहले सब्जी को पानी में भिगा देते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। सुनी धोने के बाद मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के बाद बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है कि मैंने मुझे बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदनी है, अनबॉक्सिंग करनी है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मेरे को तो फिलहाल तो भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, एक्सेसरीज वगैरह, बट अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, किसी की डिलीवरी भी नहीं हो रही, ना फ्लिपकार्ट अमेजोन किसी की भी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो बाल कटवा के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या चला गया सर से, क्योंकि बाल में हाथ बांधने की आदत थी, तो इतने बड़े बड़े बाल थे तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि कुछ है नहीं सर में, बट ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ बाल लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यार बाल कटवाने के बाद तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस टाइम से बहुत बड़े बाल थे, क्योंकि लॉकडाउन चलते हुए उससे पहले से मैंने बाकी भी बाल नहीं कटवाए थे। अब मैंने इतने दिनों से, मतलब ये लगा लो कि 1.5-2 महीने हो गए मैंने बाल नहीं कटवाए थे, आज मैंने बाल कटवाए, तो यार लगता ही है, थोड़ा बहुत फील तो होता ही है। अब सर में ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो वापस दोबारा बाल आ जाएंगे। इसलिए मैंने हेयर ड्रायर भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें भी हेयर ड्रायर नहीं लगता, क्योंकि कॉम सही से घूमती नहीं, और हेयर ड्रायर भी ठीक से नहीं लगता, और अभी छोटे बाल भी है वैसे भी, और बाल ऐसे नीचे ही रहने चाहिए, क्योंकि नीचे ही सही लग रहे हैं इस वक्त। तो अगर मैं हेयर ड्रायर मारूंगा तो इसमें बाल सही नहीं लगेंगे, और फिर फालतू में आपको भी मज़ा नहीं आएगा। जब नहीं वहाँ बाल काटता था ऐसा लगता था, जब वो बाल इसमें स्प्रे मारता फिर वो गीले से हो जाते हैं, फिर ऐसे अजीब सा लगता, पर ऐसा लगता कि क्या काट दिया, जब सूखने के बाद पता चलता है यार उसमें तो बिल्कुल ठीक करा, अगली बार भी ऐसे ही कटवाऊंगा। बट फिर उसके बाद जब घर पे मम्मी बोलते हैं अरे आगे से नहीं कटवाए, ये नहीं कटवाए, वो नहीं कटवाए, फिर और मन खराब होता है। उसके बाद थोड़े दिन हो जाते हैं, फिर माहौल ठीक होता है, फिर उसके बाद बाल थोड़ा ठीक लगने लगते हैं, बस यही था। तो बाल कटवा के आओ, उसके बाद जब बाहर जाओ तो फिर वो बोलते हैं अरे वाह यार तेरे बाल तो अच्छे हैं, मुझे भी कटवाने, बताइए सैलून का नाम क्या है। फिर सैलून, फिर वो भी हमारा सैलून भी फेवरेट हो जाता है, फिर वो बोलते हैं हाँ यार हर बार इसके बाद जाऊँगा, क्योंकि यार इसने मेरे को बोला कि इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, और फिर उसमें वीडियो में भी अच्छे आते हैं, और फिर फोटोज़ में भी अच्छे आते हैं, लोग कहते हैं अरे वाह यार क्या मस्त बाल कटवाए, कहाँ से कटवाए, मुझे भी बुलाइयो तो मैं भी चलूँगा तेरे साथ। फिर यही होती है सीजन से बालों, कोई दिक्कत नहीं, छोटे बाल हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है कितने तारीख तक होगा, तो सही है जब तक लॉकडाउन है तब तक ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपने सैलून पे जाएंगे और सही से बाल कटवाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम हो गया है 3:00 सो जाते हैं, क्योंकि रात को वीडियो एडिट करनी होती है, तो इसलिए रात को नींद आती है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है रात का, क्योंकि रात को कुछ काम होता नहीं, इसलिए सोने से अच्छा कुछ कर ही लो, इसलिए फिर मुझे वीडियो एडिट करनी है तो रात को जागना पड़ेगा, तो अभी सो जाते हैं तभी रात को जाग पाएंगे,
तो मिलते हैं थोड़े दिन बाद। सो के उठता हूँ, 3:20 हो रहे हैं अभी, देखता हूँ कितने बजे उठते हैं, उतने बजे मैं ब्लॉग शूट करूँगा दोबारा। तो मैं 5:30 बजे उठ गया था, फिर मैंने हाथ मुँह धोया, उसके बाद मैं यहाँ बैठा। जब मैं अपने यार अभी फिर अपने पुराने ब्लॉग देख रहा था यार, उसमें क्या चहल पहल होती थी, मतलब सिटी में, पूरी पूरी सिटी में ही नहीं, पूरी इंडिया में क्या चहल पहल होती थी। पर उसके बाद पता नहीं कैसा हो गया यार, एकदम से कुछ, मतलब एकदम से सब बदल गया। मतलब यार सोच सकते हो यार तुम कैसा हो गया पूरा, सुन एकदम, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, पूरे आपको ही पता है कितना टाइम हो चुका है यार। सिचुएशन को समझो, घर पे रहो, इतनी जल्दी घर पे रहोगे उतनी जल्दी ठीक होगा। हमने भी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है कि हम जो लॉकडाउन खुलेगा तो क्या क्या ब्लॉग करेंगे, क्या एक्सरसाइज लानी है, ये सब। तो शाम का नाश्ता हो गया तैयार, ये देखो आपको कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं खाना तो आपको, ठीक है तो आपको कुछ और कुछ भी खाना हो तो यार ये लो खा लो, आपको तो कटा कटाया ही मिल रहा है, मेरे को तो अभी काटना पड़ा सब कुछ, क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी तो मम्मी छत में घूम रही है, इसलिए मुझे ये काटना पड़ा सब कुछ अकेले, नहीं तो मम्मी काट के दे देती। नाश्ता इंजॉय करते हुए मैं और मेरा भाई, यहाँ पीछे वो बैठा हुआ है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ, अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं ही नहीं आप सब लोग भी सड़ रहे होंगे, इसलिए मैं ठीक हूँ। नाश्ता तो हो गया, अब थोड़ा यार नाश्ता करके टहलना भी चाहिए, क्योंकि यार हाथ पर हिले जी लॉकडाउन हो गया तब से तो मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। तो चलता हूँ छत में यार, छत में थोड़ा टहलते वहलते हैं, थोड़ा कुत्ते के साथ खेलते हैं अपने। तो मेरे पापा ड्यूटी से आ चुके हैं, मेरे पापा की ड्यूटी लगी है लॉकडाउन में, तो अभी आ रहे हैं मेरे पापा, ये देखो बस अभी सूज उतार ही रहे हैं। तो लॉकडाउन में ड्यूटी लग रहा है, मतलब आप समझ ही सकते हो कितने बड़े खतरा है। तो सैल्यूट है, तो गाइस सैल्यूट है मेरे पापा जैसे लोगों के लिए जिनकी भी ड्यूटी लॉकडाउन में लगी हुई है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, तो करते हैं बस एंड। शुक्र करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।